जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों, प्रिय दिव्य आत्माओं, मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ को कैसे पाया, किस प्रकार से भगवती बगलामुखी माता जी का मेरा मंत्र सिद्ध हुआ, किस प्रकार से भगवती माँ बगलामुखी माता जी इष्ट के रूप में सिद्ध हुई और किस प्रकार से माँ भगवती बगलामुखी माता के दर्शन हुए, इसी सत्य घटनाओं को आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हो। माँ भगवती बगलामुखी माता मुझे जितनी अनुमति दे रही है, जितना मुझे माँ का आदेश प्राप्त हो रहा है, वह मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय भक्तों, माँ बगलामुखी माँ, माँ पीताम्बरा भगवती, आप किसी भी मंत्र की साधना करो, लेकिन माँ भगवती को पाने का जो मार्ग होता है वह गुरु ही बताता है। जो सामान्य पंडित विद्वान पुजारी होते हैं, वे आपके जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको उपाय जरूर बताएंगे, मंत्र भी जरूर बताएंगे, लेकिन उससे माँ भगवती बगलामुखी माता जी की आपको प्राप्ति नहीं होगी। और जिस साधक के पास, जिस भक्त के पास एक अच्छी गुरु होगी, एक अच्छी गुरु माता होगी, तो निश्चित ही वह निरंतर थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हुए अपने जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ेगा। माता बगलामुखी माता जी का 11 दिन, 21 दिन या फिर 41 दिन का अनुष्ठान करने मात्र से माँ भगवती बगलामुखी माता जी सिद्ध नहीं होती है। कई पुरुष चरण 1,25,000 के आपको करना होगा, निरंतर माँ भगवती का मंत्र जाप करना होगा, तब जाकर माँ बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा माता जी, माँ बगलामुखी माता जी आपको उनके दिव्य दर्शन प्रदान करेंगे, तब जाकर आपके मन में वह भगवती का दिव्य कोना जागृत होगा, तब जाकर आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा और आप स्वयं ही माँ भगवती के पुत्र कहे जाओगे। वरना गणपति भगवान की कृपा नहीं होगी, जिससे आप जीवन में भटकते ही रहोगे। प्रिय साधकों, माँ बगलामुखी रहस्य अद्भुत है, अनंत है। इस रहस्य का मैं जितना भी बखान करूँ वो कमी है। मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माता जी के सिद्ध मंदिरों को मत देखिए, माँ बगलामुखी माता जी के सिद्ध साधकों को खोजिए, जिनके अंदर माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के रूप में जागृत अवस्था में हो, अर्थात जिनकी वाणी से ब्रह्म वाक्य निकलते हो, जिनके कहे गए एक एक वाक्य सिद्ध होते हो, वे किराना की दुकान जैसे कार्य नहीं करते हो। अगर वे माँ बगलामुखी माँ की उपासना कर रहे हैं, तो जीवन पर्यंत माँ बगलामुखी माँ की ही उपासना करेंगे। प्रिय भक्तजन, बहुत सारे लोग नलखेड़ा, दतिया, बनखंडी जाते हैं और माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य साधकों को खोजने का प्रयास करते हैं। कई लोग यज्ञ हवन पूजन भी करवा लेते हैं, लेकिन यज्ञ हवन और पूजन करवाने का एक अलग ही लाभ प्राप्त होता है, माँ भगवती के दर्शन करने का एक दिव्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन गुरु बिना भव निधि तरैन कोई बिरंजी शंकर सम होई। माँ बगलामुखी माँ की साधना के बारे में शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एक सिद्ध गुरु के ही सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ की साधना करना चाहिए। कोई भी पंडित, कोई भी सामान्य गुरु आपको माँ बगलामुखी माँ का मंत्र तो दे देगा, जब मंत्र आप जाप चालू करोगे, जब मंत्र की शोध के लिए आप निकलोगे, तो आपके जीवन में जो अनुभूतियाँ होगी, उन अनुभूतियों में आप संतुलन नहीं रख पाओगे, आप नियंत्रित नहीं हो पाओगे और कुछ समय बाद माँ बगलामुखी माँ की साधना कर लोगे। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने 1,25,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करवाया है, माँ बगलामुखी 36 अक्षरी बीज मंत्र का अनुष्ठान करवाया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। इसीलिए मनोकामना पूर्ण नहीं हुई कि वे पशुभाव में मंत्र साधना कर रहे, पशुभाव में माँ बगलामुखी माँ की पूजा कर रहे हैं। ऐसे सामान्य जो पंडित विद्वान है, इनसे माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान भी करवा लोगे तो आपको वह लाभ प्राप्त नहीं होगा। माँ बगलामुखी माँ की साधना बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही निराली है। इसे दिव्य और शुद्ध गुरु के सानिध्य में ही संपन्न की जाए तो
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रिय साधकों, मैंने मेरे जीवन में राजनीति क्षेत्र में भी माँ बगलामुखी माँ की शक्ति का प्रयोग किया है। मैंने मेरे जीवन में असाध्य रोगों के लिए माँ भगवती बगलामुखी माँ की शक्ति साधना का प्रयोग किया है। प्रयोग प्रैक्टिकल परिणाम के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि माँ भगवती बगलामुखी माँ पीताम्बरा माता को हृदय में धारण करना बहुत मुश्किल कार्य है। वह जगत जननी परमेश्वरी है, वह आदि शक्ति है, माँ दुर्गा का आठवां रूप है। जब भगवती की कृपा होती है तो सारी ही इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मनुष्य के जीवन में कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाती है। जो सफर वो कई वर्षों में कर रहा होता है, वह एक वर्ष में ही उसका सफर पार हो जाता है। प्रिय साधकों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से मैंने जो संकल्प लिया था कि माँ बगलामुखी माँ का एक दरबार बने, माँ बगलामुखी माता जी के लिए दिव्य स्थान का मैं निर्माण करूं, जहाँ माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान होगी, गुरु माता और माँ बगलामुखी माँ की कृपा से वह भवन का निर्माण कार्य चालू हो गया। और माता बगलामुखी माता जी के भवन के निर्माण कार्य के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास धन भी नहीं था, क्योंकि मैंने पीतमपुर से अपनी जॉब छोड़ी थी तो मुझे कुछ पीएफ का पैसा मिलने वाला था, वह लगभग 1.5 लाख के करीब था। और वही कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार थे जिन्हें मैंने कुछ पैसा दे के रखा हुआ था, उनसे भी पैसा मैंने प्राप्त किया। कुछ थोड़ी बहुत सहयोग राशि मुझे गुरु माता जी ने भी प्रदान की और इस प्रकार से मैंने माता बगलामुखी माता जी के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया। प्रिय भक्तजनों, जब आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, जब कोई आप बड़ा कार्य कर रहे हो, तो उस समय आपको एहसास होता है कि कितने रिश्तेदार आपके अपने रिश्तेदार हैं, कितने मित्र आपके अपने मित्र हैं। क्योंकि जैसे ही धन की बात आती है, सहयोग की बात आती है, मदद की बात आती है, तो आधे से ज़्यादा लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की असीम कृपा थी और मेरे मन में भी श्रद्धा थी। जब भी कोई मुसीबत में फंस जाता था, धन की कमी हो जाती थी, जब भी कोई मुसीबत में मैं फंस जाता था, जब भी धन की कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती थी, तो माँ बगलामुखी माँ का ध्यान करता था, माँ से प्रार्थना करता था और माता रानी कोई ना कोई मार्ग जरूर निकाल देती थी। और मैया की कृपा से, गुरु माता की कृपा से माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंदिर का और मेरी ऑफिस का निर्माण कार्य आरम्भ था और आगे बढ़ ही रहा। तभी अचानक भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ का मंदिर का निर्माण कार्य जहाँ हो रहा था, इसी स्थान के सामने एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर के प्रति मेरी बचपन से ही बड़ी श्रद्धा और आस्था है। जब भी मैं अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता को प्राप्त करता था तो मैं भगवान शिव के दिव्य दरबार को सजाने का प्रयास करता था, भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करता था, भगवान शिव को मनाने का प्रयास करता था। कई बार उनका कलर निकल जाता था तो मैं पेंटर को लेकर आता था और उन्हें पुनः दिव्य रूप प्रदान करता था। इस प्रकार से माता बगलामुखी माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से उस शिव स्थान के प्रचार के लिए, उस शिव स्थान को एक अच्छा आकृति देने के लिए मैंने ग्राम पंचायत के माध्यम से, कुछ राजनीतिक मित्रों के माध्यम से पहला सांस्कृतिक मंच पास करवाया। भगवान शिव के दिव्य दरबार को सुंदर आकृति देने के लिए मैंने ग्राम पंचायत और मेरे कुछ राजनीतिक मित्रों के माध्यम से एक सांस्कृतिक मंच को वहां पर स्वीकृत करवाया। वह बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में पुनः राजनीतिक दबाव लगाकर मैंने दूसरा सांस्कृतिक मंच पास करवाया। इस प्रकार से भगवान शिव के मंदिर का एक रूप तैयार हो गया था। जब सांस्कृतिक मंच बना तो उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को मोहल्ले के भक्तजनों द्वारा वैसे ही निकाल लिया गया और नीचे सुला दिया गया। और जब मैंने देखा कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को इस प्रकार से मोहल्ले के लोगों ने निकाल लिया है और भगवान शिव क्रोधित हो गए, तो इसका इतना बड़ा प्रकोप पड़ेगा कि जिसके वजह से बहुत सारी आपत्ति विपत्तियाँ इस मोहल्ले में, इस गाँव में आ सकती हैं। जब मैंने देखा, समझा, तो पता चला कि ये मंच बन रहा था, इस मंच की वजह से शिव जी की मूर्ति को निकाला गया है।
लेकिन मोहल्ले के लोग उतने शिक्षित नहीं थे, उन्हें ज्ञान नहीं था कि भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को किस प्रकार से निकाला जाता है, या फिर भविष्य में ऐसे कार्य करने की क्या सजा मिल सकती है, क्या दंड मिल सकता है। तब मैंने मोहल्ले की अपने भक्त लोगों से बात की और उन्हें कहा कि अब भगवान शिव की जो दिव्य मूर्ति है, दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, हम एक सिद्ध गुरु के माध्यम से करेंगे, एक दिव्य गुरु के माध्यम से करेंगे। प्रिय भक्तजनों, मैंने भगवान शिव, माँ पार्वती जी और भगवान गणेश और नंदी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करना चालू किया, साथ ही गुरु माता जी की ओर से भी उस दिव्य स्थान पर सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी के विग्रह को, मूर्ति को बुलवाया गया ताकि वहाँ पर माँ ताप्ती भवानी भी विराजमान हो। इस प्रकार से भक्तजनों, माता बगलामुखी माँ की कृपा हुई, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से गुरु माता जी सावंगी में पहुंची। पवित्रो पवित्रा सर्वावस्थांगतोऽपि वाः या श्वेत पुण्डरीकाक्षाय स ब्रह्माभ्यन्तरः शुचिः। ॐ श्री पृथ्वीदेव्यै श्री चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, देवी त्वं तॄणां धृताः, त्वं च धारणे मा देवी, पवित्रं कुरु च आसनम्।